कहते हैं मोहब्बत और नफरत दोनों ही एडिक्टिव होती हैं। अंग्रेजों से लड़ते लड़ते, अंग्रेजों को बाहर खदेड़ते खदेड़ते, कब हम लोग आपस में लड़ने लगे हमें पता ही ना चला। और इसका एक बाई प्रोडक्ट आप कह सकते हैं, हमारी फ्रीडम स्ट्रगल का एक बाई प्रोडक्ट आप कह सकते हैं, इज द कम्युनल राइट्स। तो हमें बीच में बहुत सारे हिंदू मुस्लिम फसाद दंगे देखने को मिले, और ऐसे ही एक दंगे को रोकने के लिए, ऐसे ही इस माहौल को कंट्रोल करने के लिए गांधी जी ने सितंबर 1924 में एक व्रत रखा। गांधी जी ने अपने पॉलिटिकल करियर में भरपूर कोशिश करी इन दोनों समुदायों को साथ में लेकर आने के लिए, बट क्या उन्हें कामयाबी मिली? क्या वो इस चीज को रोक पाए? क्या ये प्रेम वापस वो जगा पाए? तो अगर आप समझो तो 1937 के बाद जो, जिसे आप कम्युनलिज्म कहते हो, जो नफरत है, राइट, ये कम्युनलिज्म और ज्यादा बढ़ता ही जाता है, राइट। इनफैक्ट ये पीक टाइम है 1937 से 1947, क्योंकि स्पेशली 1937 में मुस्लिम लीग इलेक्शन हार गई है और उनको रियलाइज हुआ है कि उनका जो फॉलोअर बेस है वो काफी कम है। एंड दैट इज द रीजन कि 1937 के बाद उन्होंने पुरजोर कोशिश करी है अपने इस फॉलोअर बेस को बढ़ाने के लिए, लोगों को इंसाइट करने के लिए, भड़काने के लिए इन्होंने पूरी मेहनत करी है। और इसका पीक तुम्हें देखने को मिलेगा 16 अगस्त 1946। दिस इज डायरेक्ट एक्शन, जब वो इंटरिम गवर्नमेंट से नाखुश थे और उन्होंने डायरेक्ट एक्शन अनाउंस किया था। और इसमें कोई लॉ ऑर्डर नहीं है। इनफैक्ट आप देखो यहाँ पे तो आपको इंसानों की फोटो दिखेगी जिन्होंने जिन्हें इंसानों ने मारा है ना, यहाँ पे बहुत सारे जो है वल्चर्स हैं। खैर, हमें फाइनली अगले साल आज़ादी भी मिल गई, बट ये आज़ादी हमें मिली बंटवारे के साथ। ये बंटवारा भी जो प्रोसेस था ये बहुत ज्यादा मिसमैनेज था। तो इस कम्युनलिज्म का तुम कह सकते हो बाई प्रोडक्ट इज पार्टीशन, एंड दिस पार्टीशन वॉज ग्रॉसली मिसमैनेज, स्पेशली जिस स्केल पे हो रहा है और जितने कम टाइम लाइन में, जितने कम ड्यूरेशन में इसका इसका जो है एग्जीक्यूशन हुआ, राइट, तो उसकी वजह से इसको ठीक से हैंडल नहीं किया जा सका था। करोड़ों लोग पाकिस्तान से इंडिया आ रहे हैं, इंडिया से पाकिस्तान जा रहे हैं, और रास्ते में ऐसी बहुत सारी मुठभेड़ हुई, बहुत सारे दंगे हुए, लाशों से भरी हुई ट्रेन आ रही है, सैकड़ों रेप्स हो रहे हैं, लोगों की जो है प्रॉपर्टी डिसलोकेट हो रही है, प्रॉपर्टी मिस हो रही है, कोई ऐसी सिक्योरिटी नहीं, कोई मैनेजमेंट नहीं। तो ये सिचुएशन और ज्यादा बिखर गई हमारे बंटवारे के समय, आज़ादी के बाद। गांधी जी उस समय नोआखली में थे, बंगाल में थे, और उन्होंने 3 दिन का व्रत रखा इसको रोकने के लिए। ये सितंबर 1947 की बात है, आज़ादी से 15-16 दिन बाद, और 3 दिन के व्रत काफी हद तक इस कम्युनल हारमोनी को वहां पे वो इस्टेब्लिश कर देंगे। लॉर्ड माउंटबेटन कहते हैं कि जो हजारों सैनिक, 50,000 सैनिक जो काम नहीं कर पाए, वो एक निहत्थे गांधी जी ने कर दिखाया। बट ये जो जो सक्सेस है, राइट, क्या ये जो है, देखते हैं कि कितना आगे जाती है, राइट। तो गांधी जी, अब ये जो माहौल है ये स्पेशली पंजाब और आसपास के एरियाज में काफी बिगड़ा हुआ है और बहुत ज्यादा कम्युनल राइट्स हमें देखने को मिल रहे हैं। गांधी जी फिर से डिसाइड करते हैं कि मैं एक व्रत रखूंगा, और ये उनका आखिरी व्रत है जो उन्होंने शुरू किया 13 जनवरी 1948 को। यहाँ पे 3 मुद्दे हैं बेसिकली। एक मुद्दा ये है कि इस वायलेंस को रोकना है, लोगों को समझाना है कि वायलेंस ना करें और एक दूसरे की केयर करें। दूसरा, वो चाहते हैं कि जो पाकिस्तानी सरकार है, पाकिस्तानी सरकार डिक्लेयर करे राइट्स ऑफ द माइनॉरिटीज, है ना, जो कि पाकिस्तानी सरकार ने अब तक बात नहीं करी थी कि वहां पे अगर कोई माइनॉरिटी है, चाहे वो सिख है या हिंदू है, उसके राइट्स क्या है। तीसरा, गांधी जी चाहते हैं कि जो भारत सरकार है, और ये काफी डिबेटेबल है ना, जो है यहाँ पे तीसरी डिमांड, तो जो भारत सरकार है, भारत सरकार को पाकिस्तान के 550 मिलियन कुछ पैसे अदा करने हैं, वो उन्हें दे देना चाहिए, जो कि बेसिकली बंटवारे में ब्रिटिशर्स को वो पैसे बांटने थे, बट वो पेंडिंग था, तो वो भारत सरकार को देने थे। बट इसी समय कश्मीर इशू भी हो गया था, जिसकी वजह से भारत सरकार ने इसको विथहेल्ड कर दिया था, बट फिर भी भारत सरकार ने वो पे कर दिया। तो ये पार्ट आप कह सकते हैं कि सॉल्व हो गया, बट ये बाकी दोनों चीजें हैं, स्पेशली जो वायलेंस है, जो शांति यहाँ पे चाहते हैं गांधी जी, तो उसके लिए उन्होंने फास्ट रखा है। बट क्या यहाँ पे जो है गांधी जी ये शांति अचीव कर पाए? तो इसे तुम शांति ना कह के सन्नाटा कहो तो बेटर है। 30 जनवरी 1948 गांधी जी को असासिनेट कर दिया, गांधी जी की हत्या कर दी गई। दुख की बात यह है कि गांधी जी के टाइम में भी कुछ वर्ग, कुछ लोग ऐसे थे जो शायद गांधी जी की फिलॉसफी, गांधी जी के महत्व को, गांधी जी की आइडियोलॉजी को नहीं समझ पाए और उनकी हत्या कर दी गई। अब तुम कह सकते हो कि हाँ, एक देश का एक बहुत बड़ा नुकसान हो गया है,
ऑल इंडिया रेडियो पे जवाहरलाल नेहरू जी आते हैं और उनकी ये फेमस स्पीच है जिसमें वो कहते हैं द लाइट हैज गॉन आउट ऑफ आवर लाइफ्स एंड देयर इज डार्कनेस एवरीवेयर. आई डू नॉट नो व्हाट टू टेल यू एंड हाउ टू से इट. आवर बिलवड लीडर बापू एज वी कॉल्ड हिम द फादर ऑफ द नेशन इज नो मोर. और इसके बाद वो अगली लाइन कह रहे हैं परहैप्स आई एम रॉन्ग टू से दैट, क्योंकि उसके पहले उन्होंने कहा कि फादर ऑफ द नेशन इज नो मोर, तो वो कह रहे हैं कि नहीं ये शायद गलत है क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता, बापू हमेशा हमारे साथ रहेंगे, फादर ऑफ द नेशन गांधी ही विल ऑलवेज बी देयर, चाहे वो आज जो है शारीरिक रूप से हमारे साथ नहीं है बट ड्यू टू विद जो है बिकॉज ऑफ हिज थॉट्स एंड ऑल ही विल बी देयर. सो नेवर्थलेस वी विल नेवर सी हिम अगेन एज वी हैव सीन हिम फॉर दीज मेनी ईयर्स. We will not run to him for advice and seek solace from him. And that is a terrible blow, not to me only, but to millions and millions in this country. And it is a little difficult to soften the blow by any other advice that I or anyone else can give you. मेरी ऐसी कौन सी ही बात होगी जो तुम्हें you know, सांत्वना दे पाए, जो तुम्हें संभाल पाएगी, जो तुम्हें रोक पाएगी. गांधी जी के अंतिम संस्कार करने के बाद गांधी नेहरू जी कहते हैं, और इस बार शब्द थोड़े से उनके कठोर है, वो कहते हैं कि वी हैव हैड आवर लेसन एट अ टेरिबल कॉस्ट. इज देयर एनीवन अमंगस्ट अस नाउ हु विल नॉट प्लेज हिमसेल्फ आफ्टर गांधीज डेथ टू फुलफिल हिज मिशन. इंडियंस हैड नाउ टू होल्ड टुगेदर एंड फाइट दैट टेरिबल पॉइजन ऑफ कम्युनलिज्म दैट हैज किल्ड द ग्रेटेस्ट मैन ऑफ आवर एज. यस ही राइटफुली सेड और ही इज वेरी करेक्ट व्हेन ही सेज दैट ही इज द ग्रेटेस्ट मैन ऑफ आवर एज. तो खैर एक जैसा कि नेहरू जी ने कहा कि हाँ एक बड़ा नुकसान हुआ है राइट, क्योंकि अगर आप समझो तो गांधी जी लेकर आए हैं इस लड़ाई में, इस फ्रीडम स्ट्रगल में सत्याग्रह को राइट. सत्याग्रह इज बेसिकली डिफेंस ऑफ एंड बाय द ट्रुथ, सत्य की रक्षा सत्य के द्वारा. बहुत ही खूबसूरत विचार है ये, जहाँ पे वो कहते हैं कि जो 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 सत्याग्रह है, सत्याग्रह इज द वेपन ऑफ द ब्रेव. इट्स नॉट, इट कैन नॉट बी डन बाय अ वीक और कावर्ड, है ना. सिर्फ बहादुर जो है सिर्फ वही सत्याग्रह कर सकता है. और वो भी वो बात करते हैं नॉन वायलेंस की, क्योंकि जो सत्य है उसमें नॉन वायलेंस इनहेरेंट है. नॉन वायलेंस की बात करते हैं कि हिंसा भी नहीं करनी. और अगर अब इसको आप कंपेयर करें उसी समय 1920s की जो डोमिनेंट थॉट है ना, जो सोशलिज्म थॉट है, सोशलिस्ट थॉट है या मार्क्सिस्ट थॉट है, जिसमें वायलेंस कहीं ना कहीं जो है एज अ मीन्स बिहेव करता है, इनहेरेंट है, उस समय गांधी जी जो एक ऑल्टरनेटिव फिलोसफी, एक डिफरेंट पाथ लेकर आए हैं हमारे लिए राइट. उसमें जिसे इसीलिए जो है शायद हम इसे रेवोल्यूशन नहीं कहते हैं ना, हम इसे स्ट्रगल ही कहते हैं, बिकॉज गांधी जी ने नॉन वायलेंस द्वारा इस पाथ को डिजाइन किया है, एस्टैब्लिश किया है और हमें अचीव भी करवाया है. तो तुम कह सकते हो कि सत्याग्रह एक गांधी जी जो लेकर आए हैं ये हमारे फ्रीडम स्ट्रगल की आत्मा बन गई है. उसके पहले भी पैसिव रेजिस्टेंस था राइट, सिमिलर थॉट था, बट उसमें आत्मा नहीं थी, उसमें ये कॉन्फिडेंस नहीं था, उसमें ये भरोसा नहीं था, उसमें जो है ये पैट्रियोटिज्म उस हद तक नहीं था राइट. तो ये सत्याग्रह ऐड किया उन्होंने. और गांधी जी कहते हैं कि जो नॉन कॉपरेशन और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है राइट, तो नॉन कॉपरेशन उनका नेक्स्ट वेपन है, जिसमें वो कहते हैं कि यू नो जो इविल डूअर है, जो गलत कर रहा है, हमें उसके साथ कॉपरेट नहीं करना है. और वो कहते हैं जो अल्टीमेट वेपन है विच इज मोर डेंजरस देन आर्म्ड रेबेलियन इज सिविल डिसोबीडियंस. सिविल डिसोबीडियंस वेयर ही बिलीव्स कि ऐसे लॉज, ऐसे कानून जो कि हमारे हिसाब से गलत है, वो हमें नहीं फॉलो करने चाहिए, हमें तोड़ने चाहिए राइट. तो सिविल डिसोबीडियंस की बात करते हैं, और जब वो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट करते हैं तो उनके हिसाब से दिस इज द अल्टीमेट यू कैन से ब्लो, जो कि बड़ी सी बड़ी सरकार को हिला सकता है. सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि गांधी जी जो अचीव करना चाहते हैं, है ना, जिसे आप कह सकते हो कि स्वराज, तो स्वराज आप अगर डिफाइन करें तो यू नो अलग अलग लीडर्स के लिए, अलग अलग जॉनर ऑफ लीडर्स के लिए मीनिंग अलग अलग है. स्वराज की मीनिंग जो है आप कह सकते हैं डोमिनियन स्टेटस की तरफ जाती है ज्यादा, बट गांधी जी जिस स्वराज की बात करते हैं वो आजादी से भी आगे है. गांधी जी बात कर रहे हैं यूटोपिया की. गांधी जी का जो थॉट प्रोसेस है वो अल्टीमेट स्टेट है, या फिर अल्टीमेट जो है सोसाइटी है राइट, स्टेट भी नहीं है ना, वो सोसाइटी की बात कर रहे हैं. तो स्वराज फॉर हिम इज अबाउट सेल्फ रूल, है ना. तो स्वराज अगर आप देखें तो इट्स अबाउट स्व, सेल्फ एंड राज, रूल. और उसको वो डिफाइन करते हैं अपनी किताब हिंद स्वराज में. हिंद स्वराज में वो देखते हैं, कहते हैं कि इट इज स्वराज व्हेन वी लर्न टू रूल आवर सेल्फ. स्वराज इज नॉट जस्ट फ्रीडम, इट इज नॉट ओनली फ्रीडम, इट्स बियॉन्ड फ्रीडम. तो इसीलिए गांधी जी का मानना है कि अंग्रेज तो केपेबल भी नहीं है हमें आजादी देने के लिए, स्वराज देने के लिए.
स्वराज हमें खुद देकर आना है, स्वराज हमारी लड़ाई है, स्वराज हमारी जिद्दोजहद है जो अंग्रेजों के जाने के बाद भी कंटिन्यू रहेगी, राइट। तो वो जो अचीव करना चाहते हैं दैट इज सेल्फ रूल, वो बात करते हैं रिडीमिंग वन सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड कैपेसिटीज फॉर सेल्फ रियलाइजेशन फ्रॉम इंस्टीट्यूशंस ऑफ डीह्यूमनाइजेशन, जिसमें आपको सेल्फ को समझना है। ये सेल्फ रूल है सेल्फ द्वारा, राइट, और सेल्फ पर रूल है ना। इस तरह से आप कह सकते हैं कि ये स्वराज है, और स्वराज में इस बात की अंडरस्टैंडिंग है ना, एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ आर ड्यूटीज टूवर्ड द सोसाइटी इज धर्म। तो अब जब इस धर्म को आप समझ लें और आप इसे इसे प्रैक्टिस में लाएं, आप एग्जीक्यूट करने लगे, तब कहीं मिलेगा स्वराज, और फिर तब कहीं मिलेगा राम राज्य। उनके लिए जो राम राज्य है वो यूटोपिया है, वो अल्टीमेट पोजीशन है ना, वो विजन है, वो जो है, जो विजन है वो ऐसा है कि राइट, शायद ये अनअचीवेबल है, शायद वो एस्पिरेशन है, राइट, शायद वो निर्वाणा है, राइट। तो फिलहाल तो जो उनके हिसाब से जो राम राज्य है वो कहीं ना कहीं ग्राम राज्य है, वो विलेज रिपब्लिक्स की बात करते हैं। वो कहते हैं कि जब हर आदमी अपने ऊपर रूल कर सकेगा, जब हर आदमी समझ सकेगा अपने कर्तव्यों को जो उसे सोसाइटी के बारे में करने चाहिए, राइट, तो ऑलरेडी जो यू नो आप कह सकते हैं कि जो सोसाइटी क्रिएट होगी उसे किसी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी की जरूरत नहीं है, उसे किसी इंडस्ट्रियलाइजेशन की जरूरत नहीं है, उसे किसी मास कंज्यूमरिज्म की जरूरत नहीं है, राइट। और ये जो डेवलपमेंट होगा, दिस विल बी सस्टेनेबल डेवलपमेंट, दिस इज इन हैंड विद एनवायरनमेंट, राइट। तो ये पूरी तरह सस्टेनेबल होगा, और फिर आप इसे कह सकते हैं कि हाँ ये राम राज्य है, और शायद यही ग्राम राज्य है। तो ये बहुत ही खूबसूरत थॉट है गांधी जी का, जो वो अचीव करना चाहते थे। इसीलिए जो आज़ादी है वो शायद अभी पहला स्टेप है, राइट, उसके आगे अभी बहुत कुछ गांधी जी की थॉट, गांधी जी की फिलॉसफी, और गांधी जी खुद यू नो सपना देखा था उन्होंने देश के लिए, जो वो चाहते थे कि अचीव करें वो, राइट। तो फिलहाल तो अभी हम भी जो है 75वां अपना आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाने की तैयारी कर रहे हैं, राइट, एंड इसी के साथ हम जो है कोशिश कर रहे हैं कि कुछ ट्रिब्यूट गांधी जी को हम भी ऐड कर सकें। सो ऑन दिस चैनल आई ऑल्सो बी यू नो कंटिन्यूइंग दिस थॉट, इसके आगे हम बात करेंगे। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे गांधी जी की जर्नी श्रीलंका साउथ अफ्रीका में, एंड बात करेंगे उनकी फिलोसफी आइडियोलॉजी और मेथोडोलॉजी के बारे में। हम बात करेंगे जब गांधी जी इंडिया आए और उन्होंने भारत दर्शन किया, और जो उन्होंने चंपारण सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह और अहमदाबाद गए, राइट, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक। देन उसके बाद हम नॉन कॉपरेशन की बात करेंगे, मूवमेंट की बात करेंगे, क्विट इंडिया मूवमेंट, एंड देन वील टॉक अबाउट गांधी जी इन एथिकल स्पेस, राइट, एज अ मोरल थिंकर, कि हाँ उनकी जो है उनकी थॉट क्या है इन यू नो वेरियस एंगल्स, तो उसको भी समझने की कोशिश करेंगे। एंड देन देर वर वेरियस लीडर्स हु वर इंस्पायर्ड बाय गांधी जी, तो हम उनका एग्जाम्पल भी देंगे, उनको भी समझेंगे। एंड लास्टली वील टॉक अबाउट गांधी जी की नीड ऑफ यू नो गांधी जी इन प्रेजेंट टाइम। तो जैसा कि मैंने कहा कि गांधी जी का सपना आज़ादी पर रुक नहीं रहा था, आज़ादी पर ख़त्म नहीं हो रहा था, वो उसके कहीं बियॉन्ड कुछ अचीव करना चाहते थे, और वो डिस्कशन अभी बाकी है, वो बात हमें अभी और करनी है, उस फिलॉसफी को और समझना है, और ये भी समझना है कि क्यों कुछ लोग नहीं समझ पाए कि गांधी जी का महत्व क्या है, गांधी जी के थॉट क्या है, गांधी की फिलॉसफी क्या है। तो ऑन दिस नोट जय, मैं विदा लूँगा, हम मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक्स अ लॉट।